वॉमिटिंग का इशू बना है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक हो गया ये बच्चा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी का ये बच्चा है। अरे यहाँ क्या होता है कि शौकीन हजरात डॉग को लेकर आते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हैवी डाइट देना शुरू कर देते हैं। अभी ये बच्चा आया था मदर फीड पे छोड़कर, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब तक आपका बच्चा 2.5 माह का नहीं हो जाता, 3 माह का नहीं हो जाता, तब आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, आपके डॉग के लिए हार्मफुल है। बेहतरीन किस्म की ब्रीड आप अगर परचेज करते हैं, या आप बेहतरीन किस्म की जो ब्रीड है वो आपको कोई दोस्त तोहफा धन दे भी देता है, तो ये उसका ख्याल रखने का बिल्कुल भी तरीका नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास एक अमेरिकन पिटबुल आया है जो किसी भाई को किसी ने जो है वो गिफ्ट किया है, और वो बहुत अच्छी ब्रीड है और चॉकलेट कलर में है और ब्राउन आइज़ में है, और बड़ा रेयर कलर है और रेयर आइज़ कलर भी है। अच्छा, तो उसको हुआ कुछ यूँ, जैसे मैं आपको एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उस जो आप पपी लेकर आते हैं, अचानक से जब आप उसकी जो डाइट है वो अगर आप चेंज कर देते हैं, जाहिर है वो मदर फीड को छोड़कर आया होता है, तो अगर आप अचानक से उसकी जो डाइट चेंज करेंगे तो डेफ़िनेटली उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उसको लूज़ मोशन हो सकते हैं। इसी तरह वो अभी हमारे पास डॉग आया और वो विद इन 1 डे वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, भाई का कहना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं वो डॉग और अब वो किस कंडीशन में है। अभी हमने उसको जो है ड्रिप लगाई है और इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाएगा, और हम आपको दिखाते हैं कि क्या उसको प्रॉब्लम आई है और वो किस हालत में है इस टाइम। डाल दे डब्बा है। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। ये जी पिटबुल बच्चा है, ये भाई का है, दिखाओ भाई को। ये जी लेकर आए हैं इनको भाई, इसको वॉमिटिंग का इशू बना है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक हो गया ये बच्चा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी का ये बच्चा है, और ये अभी इसको ड्रिप लगाई गई है। इसको वॉमिटिंग का जो है ना वो इशू आया, और डाइट जो है वो भाई इसको दे रहे थे कीमा उबाल कर, और इसके अलावा उबले हुए चावल, और आप क्या दे रहे थे यहाँ इसको? दूध इसको दे रहे थे। अच्छा, दो दिन पानी पा के दूध। अच्छा ठीक है। अभी 1.5 साल का बच्चा, 1.5 माह का तकरीबन बच्चा है, इतने बच्चे को इतनी हैवी डाइट देने की ज़रूरत होती नहीं है। बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है कि शौकीन हजरात डॉग को लेकर आते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हैवी डाइट देना शुरू कर देते हैं। अभी ये बच्चा आया था मदर फीड पर छोड़ कर, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मदर फीड को बच्चा छोड़ कर जब आता है, तो आप फौरन से जब उसकी डाइट चेंज करते हैं, उसको लूज मोशन हो सकते हैं, उसको जो है वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा भी दीगर उसको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा जब भी आपने डॉग को लेके आना है, आपने कोशिश करनी है कि उसको लैक्टोजिन 1 दें आप, जब तक वो छोड़ता है। जब तक आपका बच्चा 2.5 माह का नहीं हो जाता, 3 माह का नहीं हो जाता, तब तक आप उसको सख्त खुराक सोई बिल्कुल भी ना दें। वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, आपके डॉग के लिए हार्मफुल है, जिससे उसकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आएगी। आप बेहतरीन किस्म की ब्रीड आप अगर परचेज करते हैं, या आप बेहतरीन किस्म की जो ब्रीड है वो आपको कोई दोस्त तोहफा धन दे भी देता है, तो ये उसका ख्याल रखने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। आप अपनी तरफ से ख्याल रख रहे होते हैं अपने डॉग का, बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होते हैं, आप अच्छी से अच्छी डाइट दे रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती आपके पत्ती के लिए, आपके डॉग को। तो जब भी आप डॉग को लेकर आएँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ख्याल रखें कि आपने उसको क्या देना है क्या नहीं देना। आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल हमें कर सकते हैं, आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जब भी आपके पप्पी को कोई प्रॉब्लम हो, आप नया लेकर आएँ, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आपने इसको क्या देना और क्या इसके लिए सूटेबल है, ताकि आपका डॉग आपका बच्चा इस तरह की कंडीशन से बच सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि आपने अपने पेट्स का किस तरह से ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया।